अरे इतने सारे प्याज किस लिए? अरे आज बारिश का मौसम है ना, तो बारिश के मौसम में सोच रहे हैं थोड़ा सा पकोड़े बनाए जाए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोचा चलो प्याज के बनाए जाए, उसमें थोड़ा सा धनिया और हरा मिर्चा डाला है। बाकी सामान हम डालने जा रहे हैं। इसको ऐसे ही पतला पतला ही काटना पड़ेगा? हाँ एकदम पतला पतला काटेंगे तो फटाफट बनेगा। तो हम सबसे पहले बेसन से शुरू कर रहे हैं। बेसन थोड़ा ज़्यादा करके डालेंगे। अंदाज अंदाज अब कैसे बताएं? दो बड़े प्याज दिए थे तो उस हिसाब से कम मतलब मिक्स हो जाना चाहिए। हाँ मिक्स हो जाना चाहिए। अभी हम इसको जब मिलाएंगे पानी डाल के तो देखेंगे, अगर कम होगा तो थोड़ा और डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। ये आपका पिंक कलर का नमक है? हाँ हम पिंक सॉल्ट यूज करते हैं। मतलब कोई भी नमक डाल सकते हैं ना? हाँ कोई भी नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी और चुटकी भर बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर नहीं है तो खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, नहीं डालने से भी चलेगा। और एक चीज कर सकते हैं, तेल गरम करके दो चम्मच गरम तेल भी डाल सकते हैं। तो अब हम इस बेसन को फैलाएंगे। हाथ यूज करना पड़ेगा वरना वो उस तरीके से बन नहीं पाएगा पकौड़े जैसा। तो कड़ची से मिलाने से नहीं होगा? मुझे थोड़ा सा बेसन और चाहिए। जब आप मिलाएंगे आपको तभी पता चल जाएगा कि बेसन कितना चाहिए। इसमें जैसे प्याज ज्यादा लग रहा है तो हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। इसमें कम से कम दो बड़े चम्मच और डालेंगे। फिर इसको मिला के 5 मिनट्स के लिए रेस्ट में रखेंगे, क्योंकि सोडा डाला है तो उसके लिए थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। साथ ही साथ बनाएंगे तो नरम नहीं, मतलब ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, क्रिस्पी नहीं होगा। ये तो सही है, बारिश का मौसम और साथ में पकोड़े और चाय। चाय भी बन रही है अभी बेटा, चाय भी बनाएंगे। उसका भी इंतजाम करके रखा हुआ है। ये देखिए हमारी पकौड़े की कंसिस्टेंसी इस तरीके से होगी। इसको और गाढ़ा भी नहीं करेंगे और नरम भी नहीं करेंगे। अभी इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना तेल गरम करेंगे कढ़ाई में। हम रिफाइंड ऑयल से बना रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग सरसों के तेल से भी बनाते हैं। इसको अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। सरसों के तेल से बनाएंगे तो ढक के रखना पड़ेगा? नहीं ज़रूरी नहीं है, आप ढक से रखते हैं, नहीं भी ढकेंगे तो भी चलेगा। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, देखते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ हो गया है अच्छे से। मतलब जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, हाँ, तो भी आप जिसका भी पकौड़ी बना रहे हैं तो इसका मतलब तेल गर्म हो गया ना। ये मैंने डालना शुरू कर दिया। बारिश के समय तो ये झटपट पकौड़ी बन जाए बस। सुंदर कलर आ रहा है। तेल आप अपनी श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं कम ज्यादा। जैसे जैसे होते जाए पलटते जाइएगा। पकौड़ी बनाने तो मुझे सबको आती ही है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं।
क्लास में एक बच्ची भी लेके आई थी खूब सारी पकौड़ी, वो अलग बात है कि मैंने उसको बहुत डांटा था, इसलिए डांटा था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और उसके मम्मी उसको सिर्फ पकौड़े देती है खाने के लिए, पापड़ या पकौड़े नहीं। आज यहाँ पर बारिश का मौसम है ना, तो उसकी मम्मी को पहले से ही पता चल गया होगा कि बारिश होने वाली है, इसलिए पकोड़े बना के भेज दिए उसको। एक तरफ का हो गया है, नहीं अभी बाकी है। ऐसे देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग। अंदर से कच्चा रह जाएगा तो फ्लेम कैसे रखना, हाई या हाई पे रखिए, ऐसे कुछ नहीं, हाई में रखने से अंदर हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी पलटना पड़ेगा। अच्छा, वरना मीडियम प्याज तो थोड़ा सा अगर कच कच भी करेगा तो ख़राब नहीं लगता है, बस बेसन पक जाना चाहिए। बाकी वैसे सब्जी वाला पकौड़ा बनाते तो उसमें थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में बनाते कि सब्जी पक जाए। इसको तो हम किसी भी चीज़ से खा सकते हैं ना, सॉस से खा सकते हैं, किसी भी हरी चटनी सॉस चाट मसाला ऊपर से डालना डालिए, ठंडा से खा लीजिए चाय के साथ, थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ा क्या है काला नमक, हमारे बंगाल में तो इसके साथ लैया मूढ़ी भाजा, मूढ़ी भाजा खाते हैं, थोड़ा कच्चा प्याज और सब डाल के, लैया में थोड़ा सा कच्चा प्याज, सरसों का तेल, अचार का तेल, हाँ अचार का तेल, आम के अचार का, हाँ उसके बाद मिर्चा सब मिला के और साथ में ये पकौड़ी लेके बस। तो वहाँ पर प्याजी बोलते हैं ना, बन गया है। हाँ अरे वाह, इतना सुंदर कलर है, उतार ले रहे हैं साइड में करके, थोड़ा सा तेल निकल जाए। चाय एक प्लेट में थोड़ा सा एक टिश्यू पेपर डाल दिए, हाँ टिश्यू पेपर डाल, वाह देख के ही मन कर रहा है कि कितना क्रिस्पी है, ये आवाज सुन रही है। बन गया, थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डालते हैं तो और टेस्टी बनाने के लिए, तो चाट मसाला डालते हैं। ये पकौड़े बनाते बनाते एक छोटी सी घटना भी घटी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, हमने उसको शॉर्ट्स में डाला है कि हम लोग इस पकौड़े बनाते वक्त क्या हाल हुआ था। और ये हो गए रेडी, अब हम इनको खाने के लिए तैयार हैं, पकौड़े सॉस और गरम चाय। आप लोग भी बनाइए और खाइए और बताइए कैसे लगा, झटपट तैयार हो जाते हैं। ओके बाय।